पानसू पुलिस ने कार्यवाही करते हुए पुलिस पर हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पानसू डीएसपी सुनील जाखड़ ने बताया कि 17 मई को बिजली विभाग के साथ पुलिस प्रशासन बिजली के उच्च क्षमता की लाइन को हटाने के लिए गई थी, जहां पर कुछ महिला पुरुषों द्वारा बिजली विभाग तथा पुलिस प्रशासन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। उसी मामले को लेकर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए राम अवतार पुत्र छज्जू राम सैनी, धोला राम पुत्र मोहन लाल सैनी और गुलजारी पुत्र लच्छू राम सैनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में करीब 20 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। विद्युत विभाग के कर्मचारी को लाइन का कार्य करने गए थे, जिसमें स्थानीय निवासियों में राम अवतार, धोला राम और गुलजारी और कुछ अन्य आरोपी, इन लोगों ने बिजली कर्मचारियों के साथ हाथापाई करने की कोशिश करी, राजकार्य में बाधा डालने का प्रयास किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय कर दिया गया है।